हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले आज से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक एंड उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए दोस्तों, यहां पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि आज के दिन का निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसे रहा। अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते टोटल जो नेट परफॉर्मेंस है, यहाँ पर हम लोग को नॉर्मली देखने को मिला, बहुत ही मतलब जहाँ से शुरू होते वहीं पे हम लोगों को एंड होते हुए देखने को मिला था। ज़्यादा कुछ उछाल बीच में बहुत ही अच्छा खासा रिकवरी दिखाया था, बट यस वापस गिरावट हम लोगों को देखने को मिली थी। बट ओवरऑल जो क्लोजिंग थी वो हरे निशान में भी देखने को मिली। ऐसे गिरते हुए बाजार में तो भी थोड़ा सा बेटर फील ज़रूर होता है, बट स्टिल 10,500 के नीचे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। एंड आप सभी लोगों को बताएं, 10,000 ये निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, टेक्निकली भी एंड साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि 10,000 के नीचे जाना मतलब चार डिजिट में हो जाना एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर मार्केट में को बिगाड़ सकता है। तो आज के दिन की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात देखें तो आज देख सकते हो कुल मिला के 50 शेयर्स होते हैं निफ्टी में 50 में, एंड उसमें से 20 शेयर हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल रहे थे। उसी साइड में 30 शेयर ऐसे थे जो कि बाजार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो येस बैंक, जी एंटरटेनमेंट, इंफ्राटेल, कोल इंडिया एंड उसी के साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, ये कंपनी हम लोग को टॉप गेनर्स में देखने को मिल रही थी। एंड टॉप लूजर्स की बात करें तो गेल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक एंड बीपीसीएल जैसे शेयर आज हम लोग को टॉप लूजर में देखने को मिले थे। तो चलिए एक एक स्टॉक को यहाँ पे देख लेते एंड उससे जुड़ी हुई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा मार्केट स्टेबल था, क्योंकि आप सभी लोगों को बताएं कल की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा ग्लोबली संकेत हम लोगों को देखने को मिला था। अच्छे खासे हरे निशान में बहुत ही अच्छे खासे यूरोपियन बाजार भी चल रहे थे, एशियन मार्केट भी चल रहे थे, एंड जो अमेरिकन बाजार था वो भी हरे निशान में ही चल रहा था। एंड उसकी वजह आप सभी लोगों को पता है कि जो चाइना के आप यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर जिनपिंग, उन्होंने यहाँ पे सबसे अपनी पहली विजिट दी थी चाइना के जो वुहान शहर है, वहाँ से कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, फर्स्ट विजिट यहाँ पे दी थी। एंड रीज़न ये है दोस्तों कि चाइना से रिलेटेड अभी जो न्यूज़ आ रही कि वहाँ पे कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है वो बहुत ही अभी कम होने को शुरू हो चुका है। उसी के साथ साथ वहाँ के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट भी प्रेजेंट की थी कि जैन के मंथ में जितना उनके पास नंबर्स आए थे वो रिड्यूस होकर फेब के भी नंबर्स रिड्यूस हो चुके हैं। एंड अभी के अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले मंथ के हिसाब से क्योंकि इतने पेशेंट आ रहे तो वो भी नंबर यहाँ पे कम हो चुका है, जिससे हम लोग कह सकते हैं एक अच्छी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। बट स्टिल प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे एग्जिट करता है, क्योंकि आप सभी लोगों को बताएं कि सबसे बड़ी जो बात है चिंता वाली कि चाइना के बाहर के देशों में यूरोपियन मार्केट्स अगर आप देखोगे, यूरोप की कंट्रियाँ देखोगे जैसे कि फ्रांस देखोगे, जर्मनी देखोगे, स्पेन में भी अगर हम लोगों को देखने को मिलता है आज 1,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड है। एंड इटली से रिलेटेड मुझे बात बताने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे कितनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम चल रही है, बट वहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ न कोरोना वायरस की जो कंट्री थी हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे हम लोगों को ये गिरावट देखने को मिल रही है। आशा करेंगे कि बाकी कंट्रीज में भी ऐसी गिरावट हो जाए तो हम लोग कह सकते कि जो इकोनॉमी जो हम लोगों की लड़खड़ाई हुई है, हर एक कंट्री की लड़खड़ाई हुई है, वो हम लोग को स्टेबल होते हुए देखने को मिल सकती है। सो ये रीज़न था आज के दिन का मार्केट हम लोगों का थोड़ा सा स्टेबल रहा, वरना वापस नीचे जाने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जो स्टॉक ओपन किया है लक्ष्मी विलास बैंक, आप है तो बहुत ही छोटा बैंक, 14 रुपये का शेयर है हम लोग कह सकते, बट स्टिल 5% का यहाँ पे लगभग अपर सर्किट लग चुका है। एंड ये अपर सर्किट लगने की वजह क्या है वो हम लोग यहाँ पे जान लेंगे। स्टॉक एज सच कोई वहाँ पे खास है नहीं। अगर हम लोग अपर सर्किट की बात करें तो यहाँ पे बात आ रही कि कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे इस बैंक को खरीद सकता है। खरीद सकता है मतलब आप सभी लोगों को पता है कि 51% स्टेक हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल रहती है, वो उस बैंक के हाथ में आ जाएगी। तो लक्ष्मी विलास बैंक स्टॉक रेज द 5% ऑन अ रिपोर्ट द कोटक महिंद्रा बैंक आइंग द मेजोरिटी ऑफ स्टेक। सो कोटक महिंद्रा बैंक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, एंड इसी के वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी गिरते हुए बैंक को हम लोगों को अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। न्यूज़ अच्छी है, बट यस यहाँ पे कोई भी बाइंग आप लोगों को नहीं करनी है, सिर्फ न्यूज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए डे टू डे बेसिस के ऊपर, इसलिए मैंने इस स्टॉक को यहाँ पर कवर किया हुआ है। सो दोस्तों, उसके बाद की जो नेक्स्ट आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आप सब यहाँ पर रेट देख सकते हैं 0.75% से यहाँ पर 0.25% यहाँ पे आ चुका है, एंड वो रेट कट हो चुका है 0.50% हम लोग इसको बोल सकते हैं। एंड ये रेट किसने कट किया है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, यस दोस्तों द बैंक ऑफ इंग्लैंड कट द रेट्स बाय द 0.5% इन एन इमरजेंसी ऑफ अ कोरोना वायरस। सो हर एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है हम लोग बोल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट बैंक है वो यहाँ पे ये रेट कट कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिले,
जो बाजार में पैसा निकाला जा रहा है उस पैसे को वापस बाजार में लाने के लिए कोई भी बैंक अपने रेट कट करती है। बीच में ही आप सभी लोगों को पता है, हाल ही में कुछ दिनों से पहले फेड रिजर्व आप सभी लोगों को पता है, जो कि अमेरिकन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपने रेट्स कट किए थे। अभी हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे विश्व की सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट किए थे। अभी हम लोगों को बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यहाँ पे लगभग 0.5% तक का रेट कट करते हुए देखने को मिल रही है। एंड रीज़न वही है दोस्तों, आप देख सकते हैं इमरजेंसी ऑफ कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इकोनॉमिक यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है उसको वहाँ पे ट्रैक पे लाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि हम लोग ने यहाँ पे कवर कर ली है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके थर्ड स्टॉक के ऊपर जो कि है BPCL। यस दोस्तों, BPCL अगर हम लोग देखते एज सच इस कंपनी में इतना दम नहीं है, इतना मतलब मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में जितना रिटर्न मिलते हैं इतना दम नहीं है, बट यस अगर हम लोग एक साल की बात करें तो ये स्टॉक में एक ज़बरदस्त जान आई थी। एंड वो जान क्यों आई थी आप सभी लोगों को पता है कि डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब इस कंपनी से सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी एंड वहाँ पे दूसरे निवेशक यहाँ पे इस कंपनी को खरीद लेंगे। इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस कंपनी में हम लोग को ज़बरदस्त जान आते हुए देखने को मिली थी। बट ये जो पॉइंट था आप सभी लोगों को पता है, उसके बाद ये कंसिस्टेंटली स्टॉक नीचे ही जा रहा है। एंड ये इसलिए नीचे जा रहा है आप सभी लोगों को पता है, डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड जो उनका प्लान है वो कंसिस्टेंटली डिले होते चला जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे चेकआउट करोगे तो अभी की न्यूज़ भी वही है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है BPCL स्टेक सेल में गेट अ डिलेड ओवर द फॉलिंग द ऑयल प्राइजेस। एंड उसी के वजह से हम लोगों को ये क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑयल प्राइजेस आप सभी लोगों को पता है ब्रेंट क्रूड ऑयल किस तरीके से यहाँ पे क्रैश हुआ था, उसके वजह से ऑयल प्राइजेस गिरे थे। एंड उसी के वजह से हम लोग कह सकते हैं BPCL का जो स्टेक सेल का जो मामला है वो भी यहाँ पे डिले हो सकता है। ऑलरेडी वो डिले है, बोला गया था कि मार्च एंड होने के बाद, मतलब वहाँ पे ड्यू डिलीजेंस हो जाने के बाद लगभग 2 से 5 से 10 वीक यहाँ पे लगने वाले थे ड्यू डिलीजेंस के लिए, वो ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे ये सारी बातें सामने आने वाली थी। बट जो फिलहाल के क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ऑयल जिस तरीके से यहाँ पे गिर रहा है उसके वजह से ये सारी न्यूज़ सामने आ रही है कि BPCL का जो डाइवेस्टमेंट है वो और भी यहाँ पे डिले हो सकता है। एंड इसीलिए हम लोगों को ये प्लान जितना डिले होते हुए देखने को मिलेगा उतना ये शेयर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हुए देखने को मिल सकता है। सो BPCL से जुड़ी हुई ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर है जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री। यस, आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्री ने लगभग 3.5% की रिकवरी दिखाई है। 1152 के प्राइस पे यहाँ पे फिलहाल अभी ये स्टॉक मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है क्या ये स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता है। दोस्तों जा सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट भी उतना क्रैश होना चाहिए। मार्केट अगर गिरेगा तो यस इस स्टॉक के ऊपर भी प्रेशर आएगा। एंड आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था, सो कोरोना वायरस तो बहुत समय से था बट रिलायंस में इतनी ज़ोरदार गिरावट नहीं थी, तो अभी क्यों इतनी ज़ोरदार गिरा है। दोस्तों मैंने कल भी आप लोगों को बताया था जो सऊदी की जो कंट्री है आप लोगों ने सब लोगों ने देखा था, एंड उसी के साथ साथ जो रशिया है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच हम लोगों को ऑयल का जो प्राइस वॉर है वो देखने को मिला था। एंड उसके कारण हम लोग को रिलायंस जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी नीचे टूटते हुए देखने को मिली थी। सो ये क्राइसिस है जो कि हम लोगों ने देख सकते हैं, जिसके वजह से रिलायंस इंडस्ट्री इफेक्ट हो चुकी है। आज के दिन हम लोग कह सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल अच्छा खासा चल रहा था बट बाद में वापस थोड़ा सा प्रेशर उस पर आया था। सो ओवरऑल कंपनी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि वहाँ पर ऑयल के प्राइसेस में वहाँ पर क्या चेंजेस रहते। कंपनी ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छी, यस डेप का जो इनके ऊपर तलवार है वो अभी भी लटकी हुई है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी में अभी मैं निवेश करके ज़रूर बैठ सकता हूँ। क्या ये और भी यहाँ पे गिर सकती है? ज़रूर गिर सकती है अगर यहाँ पे हम लोगों को बाजार में प्रेशर देखने को मिलेगा तो। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, सो 11th मार्च यहाँ पे लगभग 45% तक की डिलीवरीज यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर में हम लोगों को उठाती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड ऑलरेडी एक न्यूज़ कवर हो चुकी थी, लक्ष्मी विलास बैंक में वो अपना स्टेक 51% तक ला सकते हैं, मेजोरिटी स्टेक खरीद सकते हैं। उसी के साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिलहाल जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हो रही है, रिलायंस इंडस्ट्री रैंक 1 कंपनी थी वो रैंक 2 हो चुकी है, उसी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक जो इंडिया की 3rd रैंक की सबसे बड़ी बैंक थी वो वापस उसने अपना 2nd रैंक का पोजीशन हासिल कर लिया है। वापस ICICI बैंक यहाँ पे पीछे आ चुकी है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन में यहाँ पे चेंज हो चुका है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जूम करके जितनी टॉप कंपनीज उसकी बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें तो TCS अभी रैंक 1 है। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे जूम कर लेता हूँ तो और अच्छा विजिबल हो जाएगा। सो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फिर भी TCS रैंक 1 है, वैसे रिलायंस रैंक 2 है। अभी आप देख सकते हैं जो ICICI बैंक इसके पहले हुआ करता था रैंक 6 का, अभी वो 7th हो चुका है। एंड कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे 6th नंबर की पोजीशन एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन आ चुकी है। एंड वापस HDFC बैंक ये रैंक 1 बैंक है, उसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक ये अभी वापस टॉप 2 की बैंक यहाँ पे
हो चुकी है। सो फ्लक्चुएशंस तो होते रहेंगे। क्या इसका अर्थ यह है कि ICICI बैंक में गिरावट आएगी, ICICI बैंक खराब हो गया? ऐसा नहीं है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मूवमेंट के ऊपर चेंज होता रहता है। कल हम लोगों को ICICI बैंक अच्छा खासा दौड़ते हुए देखने को मिलेगा, तो वापस ये अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है वापस उसको कामयाब जरूर हासिल कर सकती है। सो बैंक तो जरूर स्ट्रांग है, आप सभी लोगों को पता है। एंड HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीनों बैंक मेरे फेवरेट है फिलहाल। तो यही बैंक मेरे पोर्टफोलियो में जो आप सभी लोगों को पता है। सो ये तीनों बैंकों में जरूर होल्ड करूंगा। एंड जैसे आप सभी लोगों को पता है, ये बात बताना इंपॉर्टेंट है कि इंडसइंड बैंक से मैं ऑलरेडी एग्जिट हो चुका हूँ। बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट तो नहीं कमा पाया, बट एनीवेज कोई बात नहीं, चलते। स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ आप लोगों को लॉस जरूर होगा। पोर्टफोलियो आप जितना डाइवर्सिफाई करोगे उतना आपको एडवांटेज मिलता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा है कि ये येस बैंक जैसा बन पाएगा। और फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसके फाइनेंशियल्स तो हम लोगों ने देख लिए थे, रिजल्ट। सो रिजल्ट में तो कमियाँ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। जो इसका प्रॉब्लम है, आप सभी लोगों को पता है, प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड फिलहाल बाजार की जिस तरीके से पिटाई हो रही है, तो कोई भी स्टॉक छूटा नहीं है। तो ऐसे स्टॉक जिनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर रहता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे माल निकलने के ही कोशिश करते हैं एंड अपनी पोजीशन को सेव करने की कोशिश करते हैं। सो इसके वजह से इंडसइंड बैंक अभी हम लोगों को प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, नेक्स्ट क्वार्टर के हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि इंडसइंड बैंक का परफॉर्मेंस आगे कैसे रहेगा। क्या ये बैंक और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, या फिर ये नीचे गिर के 500 तक आ सकती है। सो फिलहाल मैं तो इंडसइंड बैंक से एग्जिट हो चुका हूँ, बट येस अभी भी मैं इस बैंक को ज़रूर ट्रैक करते रहता हूँ। सो इंडसइंड बैंक के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IRCTC। आप सभी लोगों को पता है IRCTC आज के दिन में जो शुरुआत हुआ था, लोअर सर्किट भी यहाँ पे लग चुका था, बाद में हम लोगों को अपर सर्किट भी देखने को मिला था। मतलब इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट थी, 5% की 5% की, एंड बाद में वापस हम लोगों को एक कंसल्टेशन फेज भी देखने को मिला था। IRCTC में कब बाय करना चाहिए? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इंडियन बाजार यहाँ पे प्रेशर में है। कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने केसेस इंडिया में बढ़ जाते हैं, उतना ही ये स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे चिंता में बैठे हुए हैं। अगर कोरोना वायरस इंडिया से खत्म हो जाता है, वहाँ पे कोई चीज़ टेंशन वाली नहीं होती है, तो IRCTC वापस जरूर बूम करेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप टिकट्स देखोगे तो वहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि लोग ट्रेन से नहीं घूम रहे, जरूर वहाँ पे लोग ट्रेन से घूम रहे, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हो रही है। बट यस, यहाँ पे निवेशकों में एक डर है कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ जाती है एंड रेलवे से रिलेटेड कोई टफ डिसीजन लेना पड़ता है, तो ये शेयर तो बहुत ही बुरी तरीके से पिट सकता है। सो इसी के कारण ये स्टॉक नीचे आ चुका है, जो कि आप लोगों को पता है। बाइंग लेवल अभी भी कहूंगा कि इंडियन मार्केट प्रेशर में, आज भी हम लोग 10,500 के नीचे है। मतलब आप समझ सकते हो, अभी भी हम लोग यहाँ पे बेरिश मार्केट में ही है, बहुत ही प्रेशर वाली मार्केट में। तो कभी भी और भी यहाँ पे जोरदार गिरावट हो सकती है। सो फिलहाल आप लोगों ने IRCTC को अवॉइड ही करना चाहिए। जितना ही नीचे आ जाएगा, हम लोग इसको बाद में ज़रूर बाय कर सकते हैं, बट अभी बाय करना थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन भी आप लोगों ने देख ली है। डीमार्ट से रिलेटेड भी सेमी सिचुएशन है दोस्तों। 2100 अगर आप चाहते हो बहुत ही जल्द खरीदना, तो आप खरीद सकते हो, या फिर आप 2000 के लेवल के ऊपर भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। सो डीमार्ट ने भी आज की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, बीच में तो 2220 तक ये जा चुका था, बट बाद में वापस मार्केट में प्रेशर आया था, तो ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। तो स्टॉक तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली इसमें कोई भी कमतरता नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी के लूज़र में, टॉप लूज़र में टाटा मोटर्स, ये शेयर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये शेयर शॉर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है। बहुत बार हम लोगों ने शॉर्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से पैसा भी कमाया हम लोगों को। ये बहुत समय के बाद, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो न्यूज़ भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो कि जैगवार एंड लैंड रोवर से रिलेटेड ये जो प्रॉफिट है, यहाँ पे बहुत ही इनका नीचे जा सकता है, उनका आउटलुक भी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। एंड रीज़न आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस से रिलेटेड यूरोपियन बाजार भी अफेक्ट है, चाइना भी अफेक्ट है। एंड अगर हम लोग देखते, 2009 में टाटा मोटर्स का शेयर 100 रुपये के नीचे था, एंड उसके बाद 2009 के बाद हम लोगों को आज यहाँ पे टाटा मोटर्स का शेयर 100 रुपये के नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो एक्सटर्नल इश्यू हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए, इसके ऊपर कितने बुरी तरीके से हार्म कर सकते हैं। सो क्या ये शेयर और भी नीचे गिर सकता है? फिलहाल तो यूरोपियन बाजार की जिस तरीके से हालत है, मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स को रिवाइव करने के लिए और भी समय लग सकता है। सो टाटा मोटर्स के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, तो टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ टाटा स्टील, ये स्टॉक मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली कहा था कि इसको आपको अवॉइड करना है, मेटल सेक्टर ऑलरेडी प्रेशर में है। टाटा स्टील स्टॉक बुरा नहीं है, बट यस, स्टील सेक्टर आप सभी लोगों को बताए, US चाइना ट्रेड डील से रिलेटेड अभी तो बातें तो बहुत ही दूर हो जाएंगी, एंड उसी के कारण जो मेटल सेक्टर पहले बहुत ही बुलिश चल रहे थे, मार्केट को उन्होंने भगाया था, वही मेटल सेक्टर हम लोगों को पिटते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए टाटा स्टील भी हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है येस बैंक, येस बैंक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो पर पोस्ट कर दिए, दो अलग अलग वीडियो मैंने यहाँ पे बता दिए थे। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही पॉसिबिलिटी इन्वेस्टर बैंकिंग की नाम भी यहाँ पे सामने आ रहे, जो कि एक बैंक को अच्छा खासा बूस्ट जरूर दे रहे।
टाटा मोटर्स की बात अगर हम लोग बात करें मदरसन सुमी, तो ये भी स्टॉक ऐसा ही है जो कि टाटा मोटर्स की तरह पिट रहा है, क्योंकि यूरोपियन बाजार ये भी इनका एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। जितना वहाँ पे कोरोना वायरस फैलता जाएगा इन दोनों कंपनीज को नुकसान होगा, एंड मदरसन सुमी भी उसी लिए यहाँ पे हम लोगों को पिटते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें SBI कार्ड IPO की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलॉटमेंट स्टेटस आप यहाँ पे चेकआउट किया होगा आप लोगों ने। सो अगर जिन किसको भी मिला होगा, मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन ठीक है, अगर आप चाहते हो होल्ड करना वो आपका डिसीजन रहेगा, बट यस लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हो। फिलहाल जिस तरीके से बाजार प्रेशर में है, लिस्टिंग गेन एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हम लोग बोल सकते हो सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट में डब्बा बाजार जिसको बोलते हैं अभी भी वहाँ पे 100 रुपये के आसपास 80 रुपये के आसपास प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है तो ये प्रीमियम ज़रूर कायम रह सकता है। सो लिस्टिंग डे के दिन आप लोगों को ये शेयर थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है, लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। सो अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की बात करें अभी फिलहाल, तो वापस आप देख सकते हो अमेरिकन बाजार अभी फिलहाल बज रहे हैं 8:30 यहाँ पे। सो 8:30 बजे की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल अमेरिकन बाजार लगभग 1000 पॉइंट के आसपास ही क्रैश हुए देखने को मिल रहे हैं, 3.5% की गिरावट है। सो अमेरिकन बाजार में अभी भी प्रेशर है, शायद से कल हमारे बाजार में वापस वो प्रेशर बढ़ सकता है। सो इसलिए जो भी शेयर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए यहाँ पे आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी है, और भी अगर यहाँ पे मार्केट गिर जाता है तो हम लोगों को वो शेयर अच्छे खासे नीचे लेवल पे मिल सकते हैं। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।